पीएम आयुष्मान भारत योजना 2022 सरकार दे रही है किसानों और गरीबों को फ्री में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। जाने आप कैसे ले इस योजना का लाभ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम आयुष्मान भारत योजना 2022 सरकार दे रही है किसानों और गरीबों को फ्री में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। जाने आप कैसे ले इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल डिकट न्यूज में। नई दिल्ली, आज के समय में अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह है आपका स्वास्थ्य। आजकल हमारे आसपास खतरनाक बीमारी और वायरस मौजूद है जो पलक झपकते ही आपको बीमार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अस्पताल में इलाज करवाने से लेकर महंगी दवाइयों को बिल का बोझ हर कोई उठाने में सक्षम नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने देश के आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। आयुष्मान भारत योजना उन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े परिवारों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या को दूर करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य आधारित बीमा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर साल लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है। आयुष्मान कार्ड देश के हर गरीब को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है। इस कार्ड को केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना पंजीकरण सूची में है। देश का कोई व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वह अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन पंजीकृत कर कार्ड बनवा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के लाभ और आयुष्मान भारत योजना के लाभ और विशेषताएं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना के बहुत लाभ है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गरीब परिवारों को इस कार्ड का लाभ प्रदान करती है। आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में अभी लगभग 1350 बीमारियों को शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल मुफ्त। आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का पैसा देने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को बीमारी के चलते कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस बीमा से उनकी बीमारी का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए ये लोग कर सकते हैं आवेदन। कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति, ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति, गरीब रेखा से नीचे गुजारा करने वाले व्यक्ति। आयुष्मान भारत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का राशन कार्ड, आवेदक का आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो। पीएम आयुष्मान भारत योजना में कैसे कराए रजिस्ट्रेशन। जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र में जाना होगा। वहाँ अपने मूल दस्तावेजों की छाया प्रति या फोटोकॉपी जमा करवानी होगी। इसके बाद आपको सीएससी एजेंट उन छाया प्रति को असली दस्तावेजों से सत्यापन करेगा, जिसके बाद आपका पंजीकरण करेगा और आपको पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के पंजीकरण के 10 से 15 दिन के बाद आपको जन सेवा केंद्र द्वारा गोल्डन कार्ड मिल जाएगा। यह तभी मिलेगा जब आप इस योजना के लिए योग्य होंगे या सही से आवेदन किया होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना से संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।